सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2024 में ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अभी से ज़रूरी है वो चीज़ें आप कर लीजिए, तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें, एक चैनल एक ITI के द्वारा चला जाता है, तो इसमें जो भी जानकारी दी जाएगी आपकी सारी जानकारी सही रूप से दी जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, जो अब एडमिशन चालू होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्रैल मई से चालू हो जाएगा इंडिया के सभी राज्यों में। तो इसी अप्रैल तो खत्म हो गया, लेकिन मई तक सारे जगह पे एडमिशन शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे, सब जगह चालू हो जाएगा। तो अभी क्या है, ITI एडमिशन से संबंधित कोई भी डाउट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से कॉल करके हमसे डायरेक्ट एनी टाइम बात कर सकते हैं साथियों, किसी भी ITI से संबंधित सवालों के जवाब के लिए। देखिए क्या है, ITI एडमिशन फॉर्म भरते समय गलती ना हो, क्योंकि वहाँ से भी गलती होती तो आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट में जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सारे आपके जो सवाल है आप हमसे जो है डायरेक्ट कॉल करके बात सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। देखिए क्या है कि यूपी में और इंडिया में लगभग मैक्सिमम सारे स्टेट में जो है क्या है कि मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, तो आपको फॉर्म भरते समय भी ध्यान रखना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि किसी भी प्रकार से आप गलती ना करें। तो अभी आपसे जो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जो है, अगर आपका आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार, तो अभी आप अपना आधार कार्ड जो है संशोधन जरूर करा लें। और आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके एडमिशन के लिए वो आप उनसे मांग सकते हैं, नहीं तो उसका वीडियो मैंने बताया है, बना रखा है ऑलरेडी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप जो है ज़रूर कर लेना। तो अभी का सबसे मेन मोटिव क्या है साथियों, आप अपना जो है आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए, और जो भी दिक्कत हो आप उसे अभी करेक्शन करा लो, अभी समय नहीं तो आपके पास सही समय नहीं रहेगा और आपका ITI बेकार हो जाएगा। और अगर आपका गवर्नमेंट ITI में नाम भी आएगा साथियों, तो भी आप जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अभी जो है अपने मोबाइल नंबर में आधार कार्ड को मोबाइल लिंक करा लो, और कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में आप जो है पश्चाताप करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा जब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।